देखूंगी मैं, इतना मैं इतनी अमीर हो गई क्या? मेरा छोटा बच्चा है, मैं उसको छोड़कर ठेला लगा रही हूँ, यहाँ भी लोग जीने नहीं दे रहे यार मुझे, मैं क्या करूँ? जब से मैंने ये सारी चीजें देखनी शुरू करी थी ना सोशल मीडिया पर, मुझे पता चल गया था यही है बिग बॉस की असली कंटेस्टेंट, यही बनाएगी बिग बॉस को इस बार का सबसे बड़ा शो। मुझे पता था घर में जाकर यही करेगी, बेसन अंडा चीले, अपनी प्रथा को आगे निभाएगी बिग बॉस की कि भाई इन सब चीजों पर लड़ना है, तभी से अंदाजा हो गया था मुझे। और जिस बच्चे के नाम पर ये बाहर व्यूज बटोर रही थी उसको छोड़कर ही तो गई है ये बिग बॉस में, अब उसका ध्यान कौन रखेगा? और ये वही बच्चा है जो एयरपोर्ट पर गिर गया था और ये दीदी पेपराजी को पोज देने में लगी हुई थी। एक बार मुड़ के देखा और जैसे ही देखा कि पेपराजी आ गया तो सीधा पोज देने लग गई, काला चश्मा लगा, कहां बच्चा, कौन सा बच्चा, किसका बच्चा, कोई ध्यान नहीं, सिर्फ बच्चे के नाम पर व्यूज बटोर रही है ये दीदी। अभी तक क्या कह रही थी, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, और बिग बॉस में जाते ही कह रही है कि भाई मैं दिन का 40,000 कमाती हूँ, अब कहाँ से आ गई इतनी अमीरी, अभी दुकान लगाए हुए 4 दिन नहीं हुए थे। इनसे ज्यादा रिस्पेक्ट तो मुझे डॉली भैया की हो रही है यार, उन्होंने बिग बॉस में जाने से मना कर दिया कि नहीं यार मेरा नुकसान हो जाएगा, ठेला कौन लगाएगा, रिस्पेक्ट है भाई इस बंदे के लिए। और इन्हें देखो ये क्या कर रही है यार बिग बॉस में जाकर, यार इनके पति को बाहर ही छोड़ दिया, थोड़ा बहुत पीछे से थोड़ा बहुत दिखते थे बेचारे मासूम से चेहरे वाले, अब बाहर वड़ा पाव की ठेली पर वड़ा पाव बेच रहे होंगे। और ये दीदी वही काम जो बाहर कर रही थी अब अंदर आगे कर रही है, बस इनके पति साथ में नहीं है, वैसे वो होते भी है तो क्या ही फर्क पड़ता है, बैकड्रॉप में खड़े रहते हैं यार, कुछ काम धाम तो करते नहीं है, बस हाँ मेरी बीवी को छोड़ दो, मेरी बीवी को छोड़ दो, यही सारी चीजें करते हैं। अब बाहर 2-4 वड़ा पाव बिक रहे होंगे, वही बना के बेच रहे होंगे, चंद्रिका नहीं खड़ी है इसलिए सेल डाउन हो गई होगी वैसे, और कंट्रोवर्सी तो इनके पति नहीं कर पाते हैं, उसके लिए तो इन्होंने बीवी को रखा है ना यार। यार इस बार का बिग बॉस, बिग बॉस नहीं है ये, छपरी फेस्ट है ये, छपरी शो, इतना घटिया मैंने आज तक नहीं देखा यार। एक कहावत मैंने सुनी थी कि सबके लेवल निकलेंगे पर निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा आखिर तक, यहाँ तो बिग बॉस के सारे लेवल ही गिर गए। लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। भाई बिग बॉस में इस बार अरमान मलिक, कृतिका और पायल को भी बुलाया गया है, ये बंदे घर में बुलाने के लिए लायक नहीं, स्पेशली अरमान, लोग इन्हें बिग बॉस में बुला रहे हैं यार, हो क्या रहा है दुनिया में मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जिस हिसाब से हमारे अरमान भैया को प्यार होता है 6 दिन 4 दिन 5 दिन में, उस हिसाब से जितने दिन बिग बॉस में रहेंगे कम से कम 3-4 जोड़े तो बनकर निकलेंगे ही। और इनकी पत्नियां कुछ ज्यादा ही एडजस्टेबल है यार, मतलब इन्हें कोई तकलीफ दुख होता ही नहीं है, हर चीज में हाँ हाँ कर देती है, मिलती है कैसे बीवियां कहीं पर। और ये तो छोड़ो, अरमान वहां पर जाकर भी कुछ खास कंटेंट तो दे ही नहीं रहे हैं, वहां पर जाकर लोगों को सलाह दे रहे हैं कि 2-2 बीवियों को संभाला कैसे जाता है, इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार सलमान भाई ने शो होस्ट करने से मना कर दिया, किसके पास 2-2 है, मेरे पास 1 भी नहीं है तो मैं शो होस्ट नहीं करूंगा। अब इस सबके बीच में अनिल कपूर 10-12 बार झकास झकास बोलेंगे तो क्या शो चल जाएगा। और बिग बॉस का छपरी बना यही नहीं रुका, बिग बॉस ने इस शो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बुलाया शिवानी को, जो पूरे शो में सिर्फ 2-3 चीजें बोलती है, मैं गरीब हूँ, हम तो ऐसे ही बोलना आवे, हमें ना पतो किसने बनाया ये मुर्गा। और दीदी को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है इसलिए दूसरों का मजाक बना देती है। इनफैक्ट भाई इनके गांव में जैसे शोले के टाइम पर पिक्चरें देखी जाती थी ना बाहर बड़ा थिएटर लगा के, इनको देखा जा रहा है बिग बॉस में, यार ये सारे दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, मैं ये सोच रही हूँ। देश बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है वो तो नहीं पता, लेकिन बिग बॉस जरूर बदल रहा है, एक अच्छे क्वालिटी कंटेंट को छोड़कर क्रिंज कंटेंट बनाना शुरू कर दिया बिग बॉस ने। ऊपर से जैसे लास्ट ईयर पूजा भट्ट को बुलाया गया था, इस बार इन्होंने रणवीर को बुलाया, जो लोग रणवीर को नहीं जानते बता दूं कि चांदनी चौक टू चाइना में देखा होगा आपने अपने दोस्त के साथ गद्दारी करते हुए, अब तो पता ही चल गया कौन है रणवीर। यार ये पूरे शो में सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मुझसे तमीज से बात करो, मुझसे तमीज से बात करो, मुझसे तमीज से बात करो। यार अगर आपको तमीज से बात करनी थी तो घर पे रहना चाहिए था, बिग बॉस में तो लोग आते ही अपनी बदतमीजी दिखाने के लिए, अपनी रियल पर्सनालिटी, आपको तमीज देखनी थी तो शायद आपको घर पे रहना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई बिग बॉस वालों ने इसको इस छपरी शो को देखने के लिए भी 29 रुपए का प्रीमियम रखा है कि भाई पैसे भर के इस छपरी शो को देखें हम, नहीं हमें नहीं देखना है, नहीं हमें नहीं देखना है। वैसे भी अंबानी साहब किसने कहा था अपनी बेटी के इतने इतने वेडिंग्स, प्री वेडिंग, फलाना वेडिंग करने के लिए कि आपको जियो सिनेमा पे इसे देखने के लिए लोगों से 29 रुपए चार्ज करने पड़ेंगे। और इन सबको तो छोड़ ही दो, एक और कंटेस्टेंट बचा है जो मेरे दिमाग में आया, जो पूरा दिन घर में पान थूकता रहता है और सोफे की तरह पड़ा रहता है, दीपक चौरसिया। लोगों से ऐसे ऐसे कॉन्टेंट में बात करता है कि लोग इन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं। भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस बार के इस शो को, जिसका कभी कुछ क्वालिटी कॉन्टेंट हुआ करता था, छपरी शो क्यों बना दिया। अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो बताना, और तुम्हारा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है ये भी बताना। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, अगर तुम कहोगे कि यार सुहानी और भी कुछ लोग रह गए हैं, बस इतनी बात कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं जहर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब तक तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर कर लो।